अरे उसको मैं हृदय और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं दोस्तों, हवाई ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है नोवा 2S को। और आज इस वीडियो में हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जानेंगे इसकी अवेबिलिटी के बारे में और जानेंगे इसकी प्राइस के बारे में। आखिर में मैं लूंगा अपना ओपिनियन कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हवाई ने लॉन्च कर दिया यहाँ पे हवाई का 2S जो चाइना पे लॉन्च हो चुका है और इंडिया पे जल्दी में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों बात किया जाए इसकी हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे हवाई नोवा 2S मिलने वाला है आपको 6GB रैम के साथ और 128GB स्टोरेज के साथ। बात किया जाए इसकी प्राइस की तो यहाँ पे 4GB वाला एक वेरियंट है उसका चाइना पे प्राइस रखा गया करीबन 2699 यान, जिसके अगर इंडिया की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाए हुआ था करीबन 26300 के आसपास। बात करते हैं इसकी 6GB रैम के रैम वाले वेरिएंट की तो यहाँ पे इसकी चाइना पे प्राइस रखी गई करीबन 2999, इंडियन वैल्यू निकाला जाए हुआ था करीबन 29300 के आसपास। दोस्तों फुल मेटल और ग्लास से बना हुआ ये फोन की वेट है 168 ग्राम। बात करें इसके अगर स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो फुल HD+ रेजोल्यूशन दैट इज 1080x2160 पिक्सल की रेजोल्यूशन देगी। अगर बात किया जाए PPI पिक्सल पर इंच की तो यहाँ पे 402 PPI आप लोग को मिल जाएगा। बात किया जाए इसकी प्रोसेसर की तो यहाँ पे 64-bit ऑक्टा कोर हाई सिलिकॉन केरी 960SoC लगाया गया है, जहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया दिया था यहाँ पे दो वेरिएंट रैम मिलेगा, एक 4GB और दूसरा 6GB वाला। इंटरनल में आप लोगों को 128GB का स्टोरेज मिल जाएगा और जिसे आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। अगर बात किया जाए इस फोन की कैमरे की तो यहाँ पे कैमरा यहाँ पे और एक हाईलाइटेड फीचर है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 4 कैमरा, 2 कैमरा पीछे की तरफ जिसमें एक कैमरा एक होगा 16MP का FHF 1.8 वाला सेंसर और दूसरा होगा 20MP का मोनोस्ट्रोम सेंसर विथ 128 डिग्री व्यूइंग कैपेसिटी ऑफ एपीएचर F1.8। दोस्तों बात करते हैं इसकी फ्रंट की तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 20MP और 2MP का कैमरा मिल जाएगा जो आपको पोर्ट्रेट मोड पोर्ट्रेट सेल्फी के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शन की तो यहाँ पे डुअल सिम वाला फोन आप लोगों को 4G सपोर्ट 4G VoLTE की सपोर्ट देगा। अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन में यहाँ पे आपको को ब्लूटूथ 4.2 टाइप सी USB और वाईफाई वगैरह मिल जाएगा। लगभग जितने सारे सेंसर्स यहाँ पे मार्केट पे इस रेंज पे अवेलेबल है ज़्यादातर सेंसर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल ही जाएंगे। बात की जाए इसकी बैटरी की तो यहाँ पे 3640mAh की बैटरी आप लोगों को दिख जाएगा। आखिर में अगर बात किया जाए मेरी ओपिनियन की इसको लेने या ना लेने की तो यहाँ पे 6GB रैम और 128GB वाला जो इसकी हाईलाइटेड फीचर है और यहाँ पे जो इसकी पोर्ट्रेट मोड वाला सेल्फी कैमरा और डुअल कैमरा रेयर की डुअल कैमरे की अगर बात किया जाए सेंसर की तो यहाँ पे इस फोन की कीमत 26,000 और 29,000 रुपीज़, 4GB रैम के लिए 26,000 और 6GB रैम के लिए 29,000 मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये फ़ोन 30,000 के नीचे 25,000 के अंदर आ जाता है तो ये फ़ोन आप लोग खरीद सकते हो। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये 25 के अंदर अगर इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो बेटर बाय हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए नहीं आ सके तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे आप लोग अपना कमेंट अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि इसको दबाएंगे तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों आज के लिए नहीं, जय हिंद, आत्मा।